बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद भी हिंसा पर ब्रेक नहीं लगा है। हिंसा में मरने वालों की संख्या 450 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से सूरत के कपड़ा कारोबारी टेंशन में है। बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर सुरभि चिंगारी ने पूरे देश को शोलों में तब्दील कर दिया है। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में छाई अस्थिरता और अशांति ने देश की चुनी हुई सरकार को नेस्त नाबूद कर दिया है। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट के बाद ढाका की सड़कों पर जश्न भी मना। जश्न तख्ता पलट का, जश्न शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने का। बांग्लादेश का बड़ा तबका इस तख्तापलट से खुश है, लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट होने से सूरत के कपड़ा कारोबारियों को बड़ी चिंता सता रही है। दरअसल सूरत और बांग्लादेश के बीच कपड़े का करीब 500 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है। बांग्लादेश में जल्द राजनीतिक स्थिरता नहीं हुई तो आने वाले दिनों में सूरत के कपड़ा कारोबारियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। लगभग 500 करोड़ का कपड़ा बांग्लादेश जाता है और इनडायरेक्टली जो एक्सपोर्टर से शुरू जाता है उसके डेटा भी हमें उपलब्ध नहीं हुए, जो कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई के माध्यम से जाता है। अभी जो स्थितियां हैं वहां पे अराजकता, उसके वजह से व्यापारी पेमेंट अटके हैं, नए ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, व्यापारी वहां का बता नहीं पा रहा जो हमारा खरीदार है, जो बायर है, कि आगे की स्थितियां क्या होगी। यदि वो ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो ज़रूर इसमें आगे नुकसान होने की संभावनाएँ हैं। फिलहाल 2-4 दिन में, 5-10 दिन में यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। सूरत में तैयार होने वाले कपड़े दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कारोबार के नजरिए से सूरत के कपड़ा कारोबारियों के लिए बांग्लादेश काफी अहम है। कुल पूरी संभावना है, क्योंकि क्या सीजनेबल ऑर्डर होते हैं फैशन के अकॉर्डिंग, और ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने फैशन के अनुसार, अपनी डिमांड के अनुसार ऑर्डर देता है। वो दूसरे के कभी काम कम लगता है तो दूसरे के लिए वो आइटम उतना वैल्यू नहीं रखता है जो खरीदार के लिए रखता है। तो यदि वो ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो सूरत के व्यापारी को निश्चित रूप से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश में मौजूदा हालात का असर अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में बांग्लादेशी छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन को बांग्लादेशी छात्रों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। इसीलिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बांग्लादेशी छात्रों के साथ मीटिंग की और सभी छात्रों को अहमदाबाद नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। ICCR के थ्रू हमारे यहाँ 20 स्टूडेंट्स बांग्लादेश के पढ़ते हैं जो UG, PG और PhD प्रोग्राम्स में हैं। कल हमने शाम को इनकी एक आपात बैठक की है जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का भी उनको ज्ञान कराया है और उनको भी कई सूचनाएं हमने अपने विश्वविद्यालय की तरफ से दी हैं, जिसमें मुख्य है कि वो अहमदाबाद ना छोड़ें और यदि किसी मजबूरी में उन्हें जाना होता है तो हमें जान करके, हमें सूचना दे के और हमसे अनुमति लेकर ही अहमदाबाद छोड़ें। इस साल गुजरात यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के 300 छात्रों ने एडमिशन लिया है जो जल्द ही यहां आकर पढ़ाई शुरू करने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश के हालात को देखते हुए ये कह पाना मुश्किल है कि बांग्लादेशी छात्र इस सेशन में भारत आ पाएगा या नहीं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आज बड़ी बैठक की और इस दौरान दिग्गज नेताओं ने मिलकर हर घर तिरंगा अभियान की रूपरेखा भी तैयार की है। इस बार बीजेपी ने अपने अभियान में कई तरह के बदलाव किए हैं। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने बदलाव 9 अगस्त से शुरू होने वाली कांग्रेस की पदयात्रा की काउंटर अटैक के लिए किए हैं। हम लोग रैलियां निकालेंगे महानगरों में जिसमें कोई केंद्रीय नेतृत्व से या प्रदेश के नेतृत्व के रैली के अगुवाई करेंगे। 9 अगस्त से विधानसभा के सत्र तक हम लोग 300 किलोमीटर की लंबी एक गुजरात न्याय यात्रा, पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, राहुल जी भी उपस्थित रहे, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व के हमारे साथी भी उपस्थित रहे। ये
ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात का सियासी तापमान बढ़ने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज होने वाली है। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस 300 किलोमीटर की पदयात्रा का ऐलान कर चुकी है। इस पदयात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी काउंटर अटैक के लिए तिरंगा यात्रा की तैयारियों में जुटी है। वैसे तो 15 अगस्त से पहले बीजेपी हर साल तिरंगा यात्रा निकालती है, लेकिन इस बार तिरंगा यात्रा की रूपरेखा अलग है और तैयारियां बड़ी है। गुजरात में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए आज अहमदाबाद बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान गुजरात में होने वाली तिरंगा यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। वैसे ही हमारे अभी सभी मंडल करीबन 585 मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के, तो हर मंडल में भी कोई न कोई प्रतिनिधि जाएंगे और जनता को जोड़ के, ये सिर्फ भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम पूरी देश की प्रजा का है। हम सहयोग सबका लेकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हर घर तिरंगा कैसे पहुंचे उसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। इसके बिक्री केंद्र भी बनेंगे, इसको कार्यालयों से भी वितरित होगा, सरकार की ओर से भी बहुत सारी व्यवस्था अपने तंत्र के द्वारा भी की है। गुजरात में इस बार बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान कई मायनों में अलग है। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी तिरंगा यात्रा की शुरुआत राजकोट से करेगी, तो कांग्रेस अपनी पदयात्रा में राजकोट टीआरपी गेम जोन अग्निकांड को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। गुजरात में हर घर तिरंगा अभियान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस ने पदयात्रा के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं को बुलावा भेजा है। बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना और मजबूत करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस अपनी पदयात्रा में जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाएगी। हम लोग रैलियां निकालेंगे महानगरों में, जिसमें कोई केंद्रीय नेतृत्व से या प्रदेश के नेतृत्व के रैली के अगुवाई करेंगे, तो हर घर तक तिरंगा पहुंचे, तिरंगा लगाए और 14 तारीख जिसको हम कहते हैं विभाजन की विभीषिका, वो दर्दनाक दिन देश की दो भुजाएं जैसे कट गई, उस घटना को भारत की पीढ़ी याद रखे, इसके लिए इस विभाजन विभीषिका का ये दर्दनाक घटनाएं जो हुई है वो आने वाली इस देश की पीढ़ी याद रखे। स्वतंत्रता हमें जो मिली है वो इतनी सस्ती नहीं है। 9 अगस्त से विधानसभा के सत्र तक हम लोग 300 किलोमीटर की लंबी एक गुजरात न्याय यात्रा पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, राहुल जी भी उपस्थित रहे, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व के हमारे साथी भी उपस्थित रहे। गुजरात कांग्रेस इस बार डिटरमाइंड है न्याय का हक मिलने तक। जब तक इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे वो मोरबी हो, हरणी कांड हो, तक्षशिला हो या टीआरपी गेमिंग जोन राजकोट का मामला है, इन तमाम मामलों में हर कीमत पर पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यही वजह है कि इस बार गुजरात में तिरंगा यात्रा को बीजेपी की पदयात्रा के काउंटर अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में मंत्री और राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे, तो कांग्रेस की पदयात्रा में राहुल और प्रियंका जैसे बड़े चेहरे नजर आएंगे। मतलब साफ है कि 9 अगस्त से गुजरात में सियासी घमासान तेज होने वाला है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के महीसागर में बेईमानी का सीमेंट और भ्रष्टाचार के कंकड़ पत्थरों को जोड़कर एक पुल बनाया गया था। वो पुल जिसका उद्घाटन 18 दिन पहले ही हुआ था, 3 सप्ताह भी नहीं बीते और ये पुल पूरी तरह से जर्जर नजर आ चुका है। ये रिपोर्ट जरा देखिए आप ध्यान से। भारी बारिश ने एक बार फिर गुजरात में सड़कों और पुलों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। ये सरकारी भ्रष्टाचार का सबसे ताजा नमूना है।
भ्रष्टाचार का ये पुल महीसागर जिले में है। पुल की जर्जर हालत देखकर आपको लग रहा होगा कि ये पुल काफी पुराना है, लेकिन ठहरिए, इस पुल का उद्घाटन महज 18 दिन पहले ही हुआ है। करोड़ों रुपए की लागत से बना ये पुल मानसून की पहली बारिश में नहीं झेल पाया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हाल ही में एक नया ब्रिज बनाया गया है, जिसके लिए पीछे 1,32,00,000 रुपए जितनी लागत लगी है, और ये ब्रिज 14 जुलाई को ही खत्म हुआ है और आज 20 दिन ही हुए हैं, और ब्रिज पहली बारिश में ऊपर का जो सरफेस है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं आपको दृश्य में दिखाना चाहूंगा कि आप दृश्य में दिखोगे यहाँ पे ब्रिज के जो कामगिरी की है उसका बोर्ड भी लगाया गया था। जैसे ही पता चला कि ये मीडिया में आने वाला है, तुरंत ही ये आप देख सकते हो कैसा काम किया, तुरंत ही यहाँ से बोर्ड उखाड़ दिया गया है। आप देखोगे कि ये आप देख सकते हैं कि ये उसका सरफेस का ऊपर ब्रिज था, सरफेस है उसका ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है, और प्रशासन की ओर से जैसे ही पता चल के चीज मीडिया में आने वाले तुरंत ही आनंद फानंद में उसको रिपेयर करने का। आप देख सकते हो कि ब्रिज के कंकर पत्थर भी निकल चुके हैं और ये ब्रिज ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और ये ब्रिज बने सिर्फ 17 दिन हुआ जो है, और ऐसे में ये कामगिरी पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की ओर से करोड़ रुपया खर्च किए जाते हैं फिर भी ऐसा घटिया काम क्यों किया जा रहा है। गुजरात में बारिश के बाद जैसे जैसे पानी उतर रहा है, भ्रष्टाचार की परतें भी खुल रही है। गुजरात के कई जिलों में पुल और सड़कें इसी तरह ठेकेदारों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से बारिश में बह गई। लिमडिया से खानपुर जाते वक्त लिमडिया से 3 किलोमीटर पे ब्रिज बना है, और ब्रिज बने हुए 15 दिन हुए क्षतिग्रस्त हो गया है और खड्डे पड़ गए हैं और कभी भी टूट सकता है। 1,36,00,000 का बोर्ड लगा हुआ था यहाँ, उसके हिसाब से कुछ भी काम हुआ नहीं है, सब भ्रष्टाचार, सरकार और कॉन्ट्रैक्टर की मिली हुई भगत है, सब इंजीनियर पैसा खा गए और साइड में सब खुदा हुआ, ऐसे ही बेकार हो गया। आज तक की टीम ने जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किया तो जवाब क्या आया, आप भी सुन लीजिए। ये ब्रिज 1,35,00,000 में हुआ है और इसमें कुछ है नहीं, अप्रोच और अप्रोच में एक पोर्शन में अपना वियरिंग कोट में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। हमने HRDRC को उसका नोटिस भी भेज दिया है और उसने उसका रेक्टिफिकेशन भी कर दिया, उसके लाइबिलिटी नहीं आता इसके लिए। सुना आपने, महीसागर के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं बल्कि ठेकेदारों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक का आरोप है कि ये अधिकारियों और ठेकेदारों के सामूहिक भ्रष्टाचार का नतीजा है जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 122 लुनावाड़ा मत क्षेत्र के खानपुर तालुक तहसील का लिमडिया से खानपुर ज्वाइनिंग रोड अब थोड़े समय पहले ही बना है। साधारण बारिश में ये पुल पे क्षति हुई है और साइड में जो पुरान किया वो भी पूरा निकल गया है। भ्रष्टाचार अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टरों के बीच मिली भगत के कारण से ही अच्छा काम नहीं होता है, ये उदाहरण है। गुजरात सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पैसा तो खर्च कर रही है, पुल और सड़कें भी बनवा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से जमीन पर हालात नहीं बदलते। महीसागर से वीरेन जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो महीसागर में ब्रिज का हाल आपने देख लिया, आप सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सूरत हाल भी देख लीजिए। एयरपोर्ट टर्मिनल में छत से पानी टपक रहा है, इसके लिए 3 जगहों पर बाल्टियों को रखा गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आज तक के गुजरात स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।